बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मेरे पास इंक्यूबेटर पड़ा है LN2364856। इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जो अंडों की रोटेशन है वो नहीं हो रही, सम हाउ इसके राड ख़राब हैं। तो इसके तीन प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक तो ये है कि जब भी हम इसकी लीड ऊपर उठाते हैं तो इसका ये जो जॉइंट है ना, यहाँ से तार टूट जाती है। पहले तो देख लें, अगर आपकी यहाँ से तार टूटी हुई है तो आप उसको रिपेयर करवा लें, या फिर इस तरह जिस तरह मैंने ये इसको बाईपास किया है, अगर आप देख सकें कनेक्टर के बाहर बाहर से, तो आप इसको बाईपास कर लें। लेकिन मेरे ये केस में इसको बाईपास करने के बावजूद ये रोटेट नहीं हो रही इसके राड। दूसरी वजह ये हो सकती है कि इसकी मोटर जल गई है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे हाथ रख के तो इसको प्रेस करके देखा बटन को, तो मोटर बिल्कुल ठीक है, ये जली हुई नहीं है, ये बिल्कुल आवाज़ दे रही है, इसका मतलब मोटर में प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तरीका भी ठीक है। इसका जो थर्ड तरीका हो सकता है जहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है, वो मोटर के पिछली साइड पे ये जो पट्टी है, इस पट्टी के अंदर जो इसकी गरारियाँ हैं, प्रॉब्लम इसके अंदर भी हो सकती है। तो चलें इसको खोल के देखते हैं जी। तो दोस्तों, आपकी सहूलत के लिए मैंने स्क्रू अनस्क्रू कर दी हैं। अगर ये टॉप लिड उठाएँ और आप देखें, इसकी जो मोटर की मेन इसकी गरारी है ये वाली, ये टूटी हुई है, जिसकी वजह से मोटर अंदर से ये राड घूम जाता है, लेकिन इसकी गरारी जो है टूटा होने की वजह से ये सारी गरारियों को नहीं रोटेट कर पा रही। तो चले इसको ठीक करने के लिए एल्फी लगाते हैं इसको जी। तो दोस्तों ये देखें आप, मैंने एल्फी लगा के इसको जोड़ दिया है। अभी प्लास के साथ मैंने ना इसको थोड़ा सा टाइट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको मैं दिखा पाऊँ क्लोज़अप से, तो ये जो लाइन बनी हुई है ना, यहाँ से टूटा हुआ, अगर यहाँ से ठीक तरह से ये जुड़ेगा नहीं ना, तो इसने रोटेट नहीं करना। तो अभी इसको मैंने जोड़ दिया, थोड़ी देर मैं पकड़ के रखता हूँ 2-3 सेकंड के लिए, इसके बाद ये ठीक हो जाती है, फिर इसको फिक्स करते हैं। दोस्तों मैंने एल्फी लगा के इसको बिल्कुल टाइट करके रखा हुआ है ताकि ये बिल्कुल जुड़ जाए इसका सारा हिस्सा। तो इसको अब मैंने सूखने के लिए रखा हुआ है ताकि जितनी भी एल्फी है वो सारे की सारी एक दफ़ा सूख जाए, बजाय इसके कि ये दूसरी गरारियों को भी जैम कर दे। तो इसके सूखने का इंतज़ार करते हैं 2 मिनट के लिए, फिर इसको नेक्स्ट प्रोसेस पर लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एल्फी इसकी बिल्कुल सूख गई है, अब बिल्कुल ये क्लियर कट नज़र आ रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे ये पहले टूटा हुआ ही नहीं था, लेकिन फिर भी फ्यूचर्स में इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, क्योंकि मेरे तकरीबन 80 से 85 अंडे जो हैं वो ख़राब हुए हैं इसकी वजह से, जो कि मेरी गलती भी है, तो हम ऐसा क्या करते हैं, हम इसके टॉप के ऊपर ये एक वाशल है, ये जो गैस भरते हैं सिलेंडरों में LPG गैस, उनके पास ये वाशल होती है। आप ये वाशल लेके इसके ऊपर चढ़ा सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको चढ़ा के दिखाता हूँ इसको। ये आप देख सकते हैं मेरे पास 2 स्पेयर वाशल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने दोनों लगा दिए और हल्की सी मैंने ऊपर एल्फी भी डाल दिया। ये हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर मैंने ये इसको डाल दिया। तो चलें आप इसको फिट करते हैं जी। दोस्तों ये देखें, रिपेयरिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, ये सारी गरारियाँ इन ऑर्डर हो गई हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो है ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने 2 वाशल्स रखी हैं, लेकिन उसमें से मुझे एक वाशल जो टॉप पे थी वो उतारनी पड़ी, क्योंकि इसको लगाते हुए ना उसमें स्पेस काफ़ी कम थी। अगर 2 वाशल्स लगाएंगे तो ये दूसरी गरारियों के साथ मैच नहीं करेगी, इसलिए आपको एक वाशल लगानी है, एक उतार दीजिएगा। तो ये वाशल्स मैंने लगा दिए हैं, चलें इसका टॉप लेट लगाते हैं अब। तो दोस्तों इसको मैंने अब वापस रख दिया है और मैंने ऑन कर दिया है इंक्यूबेटर को। तो चलें अब मैं बटन प्रेस करके आपको देखते हैं कि ये काम करना शुरू हुए हैं या नहीं। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकती हैं, ये बिल्कुल सारे राड जो हैं A to Z इस वक्त ये मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी इसकी प्रॉब्लम थी वो हमने फिक्स कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों यही तरीका है, 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं। एक तो ये मेनली तो ये होता है, जब भी आप लिड उठाते हैं तो ढक्कन एक साइड पे हटता है, इसमें से तार निकल जाती है, तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम तो आपको यही प्रॉब्लम मिलेगी। अगर ये प्रॉब्लम नहीं मिलती तो फिर ये मिलेगी, मोटर की अंदर जो गरारी है वो टूटी होगी, और थर्ड वेरी लाइकली होता है ये मोटर जल जाती है, लेकिन बहुत कम ऐसा होगा। बहरहाल ये 2 चीज़ें जो है ना, ये आपको मोस्टली मिलेंगी इसके अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।